हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एपिसोड की शुरुआत होता है जहाँ से खत्म हुआ था। लीन स्कूल में पॉपुलर हो जाने के बाद मिस सुइंग एलर से पूछ रही होती है, सर मिंगवान कहाँ पर है? तो एलर जवाब देने लगता है वो हिसाब किताब कर रहा है लीन को लेकर, कलिया होता तो कब का आ जाता। तो मिस सुइंग बता रही होती है जो भी आगे होने वाला है हमें तैयार रहना होगा। यहाँ लीन कह रहा होता है मुझे जो पसंद करते हम यहाँ कल मिलेंगे, तो हम अगले दिन देखते हैं। स्कूल के बाहर बहुत भीड़ लग चुका था जिसे देखने के बाद वेजी को यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ चेंग सबको संभालते हुए लीन कह रहा होता है आप सभी लोगों को शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर शुलन सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने लगती है, तो सो बिजी होती है कोरियन ड्रामा देखकर। तो यहाँ चेंग समझाते हुए फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्लब मेंबर बनने के लिए कोई लिमिट नहीं। तभी लियो दिखा रही होती है इस गेम को मल्टीपल लोग खेल सकते हैं, इनमें से ड्राइविंग और शूटिंग गेम होगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो ऑडियंस भी यह सुनकर बहुत ही जोश में लीन को देखकर वेजी मनी मन कह रहा होता है इस बार तो मैं हार गए लेकिन अगली बार देख लूंगा, जिसके बाद याद करने लगता है। वेजी वांग से पूछ रहा होता है एल्डर ने क्यों कहा ऐसे, तो वांग बता रहा होता है एल्डर ने एलायंस लीडर को कहा है जो है सर मिंगवान, उसने हिसाब लगाकर कहा है मोटर वॉल में जाने में बहुत ही खतरा है जिससे जान भी जा सकता है, तो मोटर वॉल के अंदर जाओगे तो जरूर मरोगे। ये सुनकर वेजी डर जाता है पहले तो, जिसके बाद पूछ रहा होता है तो लीन जाएगा तो वो नहीं मरेगा। ये सुनकर वांग जवाब देने लगता है उसका भी वही हाल होगा लेकिन सर मिंगवा ने कहा है वो मोटर वॉल के होने की वजह से बचने का चांस है। वेजी बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है भगवान ने इस काम के लिए मुझे क्यों नहीं चुना। तभी नोटिफिकेशन आता है लीन को तुमने बहुत सारे दोस्त बनाने की वजह से तुम्हें एक डिवाइन टेक्निक दिया जाता है जिसका नाम है क्राई बेबी। तभी पीछे लियो आ जाते हैं जिसके बाद कह रही होती है बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है गेम के लिए, झूठ मत बोलो तुमने इन लोगों को हायर किया है। तो लीन भी कह रहा होता है मैंने अपना दिमाग लगाकर एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सुनकर लियो बता रही होती है इसीलिए तो मैंने इस काम के लिए तुम्हें मैनेजर रखा है। तो ये सुनकर लीन कह रहा होता है जल्दी से मेरा बोनस लाओ। लियो और लीन का फ्रेंडशिप को देखकर चेंग कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था ये दोनों इतने करीब हो जाएंगे। तभी चेंग का नजर शुलान पे पड़ता है जो लीन को देखने के बाद बहुत ही गुस्से में थी, तो यह बोनस के रूप में लियो लीन को एक चमकदार रिंग देती है। यह देखकर लीन पूछ रहा होता है इतनी महंगी चीज तुमने मुझे क्यों दिया। तो लियो जवाब देने लगती है बहुत सारा गेमिंग इक्विपमेंट खरीदने के बाद भी जो बच गया था 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी लीन के पीछे सर मिंगवान जिसे देख लीन घबराते हुए कह रहा होता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जिसके बाद याद करने लगता है एक से बढ़कर एक खतरनाक बातें। तो लीन पूछ रहा होता है आप यहाँ पर बुरी खबर तो सुनाने के लिए नहीं आए है? तो सर मिंगवान कह रहा होता है नहीं मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया था, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, जिसे सुनने से पहले बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर शुलान को डाउट होती है पहले तो, जिसके बाद वो पूछने के लिए जाती है। तो यहाँ सर मिंगवान हंसते हुए कह रहा होता है स्कूल के टॉप स्टूडेंट में इतना ही करेज था। तभी शुलान आकर पूछ रही होती है जो आप लीन को कहने वाले थे वो आप मुझे कह सकते हैं, और यहाँ सिंकट हो जाता है जहाँ वो तीनों मोटर वॉल में जाने के लिए तैयार। तभी चेंग कह रहा होता है हम लोग जब मोटर वॉल में पहुंचेंगे आसमान में लैंड करेंगे, तुम दोनों को उड़ना नहीं आता जिसके लिए तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। जिसके बाद लीन सभी लोगों को टाटा बाय बाय करते हुए जहाँ हम क्या देखते हैं शुलान के चेहरे पे मायूसी और याद करने लगती है सर मिंगवान की बातें, जिस पर सर मिंगवान कह रहा होता है ये ठीक होगा लीन को पता नहीं चलने से उसके जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है एडवेंचर और मौत से भरपूर, हालांकि वो मर भी सकता है इस जर्नी में। लीन शुलान को बुलाता है फॉर्मेशन के अंदर आने के लिए, तो चेंग क्रिएट करने लगता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर से कोई चीज बाहर निकल के आता है जो लीन को खींच लेता है। तभी तो शुलान बचाने के लिए उसके साथ कूद जाती है, मदद करने के लिए उसके दोस्त लोग भी आगे आता है लेकिन चेंग कह रहा होता है मैं उन लोगों के पीछे जाता हूँ तुम लोग मेरे लिए इंतजार करना, तो चेंग भी उस पोर्टल में कूद पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीन पूरी तरह बेहोश, शुलान जगाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, वो चीज को भी हटा नहीं पा रहा था वो चीज उन दोनों को जगड़ते हुए। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है सिस्टम की आवाज को बिना सुनने पर सिस्टम करंट लगाते हुए जगा देता है, तो आग खोलने पर खुद को आसमान में मिलता है जिसके बाद वो डर के कारण शुलान उसके हाथ से छूट जाता है। यह देखकर लीन शुलान को पकड़ लेता है जिसके बाद सिस्टम से पूछ रहा होता है क्या हम मोटर वॉल में पहुंच गए, तो सिस्टम बता रहा होता है हम पहुंच गए लेकिन आसमान से 3634 मीटर के ऊपर है। तो लीन घबराते हुए पूछने लगता है मेरी लेवल के हिसाब से मैं गिनने से तो नहीं मरूंगा, तो सिस्टम कहने लगता है मैंने कब कहा तुम बचोगे तुम डेंजर में हो। तो लीन पूछ रहा होता है मैं जिंदा रहने के लिए क्या करूं, तो सिस्टम बता रहा होता है वो तुम्हारे हाथों में, गिनने से पहले लीन इस्तेमाल करता है अर्थ क्विक किंग। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक पौधे को, वो पौधा कह रहा होता है मैं फाइनली बात कर सकता हूँ, 100 सालों तक सूरज के नीचे रहने की वजह से मैं अभी इमोर्टल हूँ जो बदल के एक फेरी जैसे हो जाती है। मगर तभी लीन उसके सामने से गिरने के कारण वो भी उसके साथ खींचा हुआ चली जाती है, जिसके बाद शुलान को पहले होश आती है तो लीन को उठाने लग जाती है। तभी वहाँ पर चेंग भी पहुंचते हुए और वो लीन का पीठ ठीक कर देता है। तो लीन कह रहा होता है ब्रदर चेंग और भी करो मजा आ रहा है। यह सुन
सुनकर शुलन गुस्से में अपने हाथों में फायर निकाल लेती है और वो लीन के शरीर में आग लगाते हुए तभी उन दोनों को दिखाई देता है लीन के सर में एक छोटा सा पौधा जो हमने पहले देखा था, जहाँ वो पौधा रो रही होती है, जिसके बाद कहने लगती है तुमने मेरे शरीर को खत्म कर दिया। जहाँ पर वो तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर तभी उन लोगों के सामने एक लड़की आती है जो प्लेन के ऊपर खड़ी होकर आती है। हेडफोन में बता रही होती है मिल गया है डिवाइन मैसेंजर। वो लोग तीन लोग है, उनमें से एक स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल में है, दूसरा 10 लेवल पर है, तीसरा 9 लेवल पर है। यह देख कर लीन कह रहा होता है वो लड़की क्या हम लोगों को लेने के लिए आया है, जिस पर शुलन हाँ कहती है। तो वो लड़की कहने लगता है मेरा नाम त्यान लिंग लिंग मगर मैं कल्टिवेशन इन्वेस्टर हूँ। यह देख कर शुलन बता रही होती है उसका चेहरा देखने से लगता है बहुत ही बुरा होने वाला है। वो तीनों को प्लेन में लेकर जाती है। आगे हम देखते हैं एक सीक्रेट जगह पर लैंड करते हुए लिफ्ट के सहारे बहुत ही नीचे जाते हुए लीन जहाँ कह रहा होता है मैं सच में गिर जाता तो मैं असलियत में मर जाता, अपने हाथों को मसाज देते हुए। तभी यह देखकर शुलन पूछ रही होती है क्या अभी भी तुम्हारे हाथ दर्द कर रहा है। तो लीन छुपाते हुए कहने लगता है नहीं नहीं मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। वो पौधा अजीब अजीब बात कर रही होती है। लीन बता रहा होता है मेरे साथ अजीब अजीब चीज हो रहा है, पहले तो सर में पौधा, यहाँ मैसेंजर का ऐसा वेलकम। तो जहाँ लीन शुलन से मजाक करने लगता है मुझे कुछ हो जाने पर मेरा सारा बिजनेस तुम्हारा। तभी गुस्से में लीन कह रहा होता है त्यान से तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, मैं डिवाइन मैसेंजर का लीडर कह रहा हूँ लीन, मैं भी हांशु किंगडम का मेंबर हूँ, मेरे साथ दोस्त क्यों नहीं बन जाते। जिस पर त्यान हंसने लगती है। तो त्यान कह रही होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और कोई नहीं मिला जो एक 9 लेवल लीडर को भेज दिया। यह सुनकर शुलन गुस्से से मैजिकल स्वॉर्ड निकाल लेती है। तो उस लड़की के बॉडीगार्ड भी गन्स निकाल लेता है। तो शुलन बता रही होती है हम लोगों को तुम लोग लाने नहीं चाहते तो क्यों लाए। तो यह सुनकर त्यान कहने लगती है शायद तुमने गलत सुना, मैं तुम्हारा ग्रामर ठीक कर देता हूँ। तुम लोग सोचते हो तुम लोग बहुत ही पावरफुल हो, तुम ऐसा बेकार स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से मुझे डराना चाहते हो। तो लीन सबको शांत हो जाने के लिए कहता है चलो बैठ के बात करते हैं। जिसे सुन त्यान कहने लगता है डर गए हो तो कहीं पर भी छुप सकते हो, तुम लेवल 10 पर हो लेकिन मैं तुमसे 2 साल बड़ी हो। उसके पार होती है उसकी चारों तरफ एनर्जी घूमते हुए। तभी लीन को नोटिफिकेशन आता है तुम ऑलमाइटी टेक्निक यूज करके वो दोनों तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, जिसके बाद फाइट को रोक देना। ये करने जा रहा होता है तभी चेंग उस फाइट को रोक देता है। तो चेंग कहने लगता है तुम दोनों कल्टीवेटर का फोटो खींच के बहुत ही मजा आ गया, त्यान मैं आपको भी फोटो भेज सकता हूँ ब्लूटूथ से। जिस पर त्यान हाँ कहती है। तो चेंग शुलन को समझाने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मोटरबॉल से दोस्ती बनाए रखना। चेंग की बातें सुन त्यान इम्प्रेस होते हुए तो लीन से पूछ रही होती है तुम लेवल कम होकर कैसे ग्रुप लीडर बन गए। तो लीन कहने लगता है मेरा ताकत देखकर। तभी कुछ दिखाने जा रही होती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।